जब बच्चे की आवाज सुनी तो नगरवासी भयभीत हो जाते, को भूत को प्रेत को जिंद को सैयद, वो उसे कह, वो उसे कहे, तो कहने लगी बेबे ना भूत ना प्रेत ना जिंद ना सैयद, कुंडली आवाज लगाती, कह रही कुंडली कभी बोलती नहीं, जो सुनता है इतनी पास आ सकी, वो गांव में जाकर अपनी सहेलियों से बताती है आज मेरा समा कभी नहीं देखा, और क्या बताती है, और देखा देखा री सखी एक चंबा, 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 एक बाबा ए मारे बोल कुरड़ी बोले, एक बाबा मारे बोल कुरड़ी बोले, बोले देखा री सखी एक
राम ने देखा कि गुरु जी ठीक कह रहे हैं, इतना भूल कर दी है। इन गोरखनाथ जी ने ग्रामवासियों के सहयोग से उस बच्चे को बाहर निकाला। 12 साल का बच्चा जब बाहर में आया, गोबर से बाहर आया, तो मच्छंद्रनाथ जी ने इसका नाम गोरखनाथ रखा। बोल गोरखनाथ महाराज की जय हो। तो बताओ, बड़ा पछतावा लगा ब्राह्मणी को और मच्छंद्रनाथ के पाए पड़ गई कि बाबा मेरे से भूल हो गई है, मेरी गलती को माफ कर दे। और भी छोरा बन दे, कहने लगा बेटी वो तो बात ही गई। भजन के माध्यम से सुनिए क्या ब्राह्मणी कहती है और क्या मच्छंद्रनाथ जी जवाब देते हैं। सुनिए। गुरु जी मन छोरा दे दे, बोलू ना तेरा एहसान। गुरु जी मन छोरा दे दे, बोलू ना तेरा एहसान। जखेरी माई के मन गड़ी गया, बाग में नाती सन तान। जखेरी माई के मन गड़ी गया, बाग में नाती सन तान। मन माफियो दे दे, इन बात का ना था ज्ञान। गुरु जी मन माफियो दे दे, इन बात का ना था ज्ञान। माई गलती की हो माफी, जाने बूझ कर अपमान। देखेरी गलती की हो माफी, जाने बूझ कर अपमान। किस्मत लिखे से भगवान, दोष किस्मत का माई, किस्मत लिखे से भगवान। मुझी मन बेटा दे दे, बोलू ना तेरा एहसान। गुरु जी मन बेटा दे दे, बोलू ना तेरा एहसान। मन फेर दे दिए एक पुत्र का वरदान। गुरु जी मन फेर दे दिए एक पुत्र का वरदान। माई नई पूत मिलेगा, माथे कहेगा सारा जान। गुरु जी ने बेटा दे दे, बोलू ना तेरा के उस राम करण स।
क्या मच्छंद्रनाथ जी ने मना कर दिया कि माई अब लड़का नहीं मिलेगा, ना ही वरदान दे सकता और ना ही तेरे को लड़का दे सकता, तेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था। बड़े हाथ पांव जोड़े मच्छंद्रनाथ जी नहीं माने कि माई बस इतना ही तेरे भाग में लिखा था, तुम्हारा हमारा संस्कार इतना ही था। और मच्छंद्रनाथ अपने बेटे गोरख को, अपने चेले गोरख को 12 साल के बच्चे को लेके बियाबानी की तरफ चलते, कवि ने क्या लिखा। अरे चले मच्छंद्र नाथ जी कर बियाबान की रे त्यारी, चले मच्छंद्र नाथ जी कर बियाबान की रे त्यारी, चले मच्छंद्र नाथ जी कर बियाबान की रे त्यारी, चले मच्छंद्र नाथ जी कर बियाबान की रे त्यारी। के बेड़े पारो आज ने सतगुरु जी का नाम लिया, आज मैं मिला
भक्ति कर गया जिसकी गोड़ ब्राह्मण जात, सच्चे मन ते भक्ति कर गया जिसकी गोड़ ब्राह्मण जात, ईश्वर का गुण गाते गाते सुख लिया सारा गात, ईश्वर का गुण गाते गाते सुख लिया सारा गात, जाते जाते राम करण ने अपने मन की कह गया बात, जाते जाते राम करण ने अपने मन की कह गया बात, अरे रे 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 जड़े तरलोकी का नाथ जी ओड़े जोगी राम पुजारी, जड़े तरलोकी का नाथ जी ओड़े जोगी राम पुजारी, ओरे चले मछंदर नाथ जी कर बिया बान की त्यारी, ओरे चले मछंदर नाथ जी कर बिया बान की त्यारी, ओरे चले मछंदर नाथ जी कर बिया बान की त्यारी। तो कहते हैं मछंदर नाथ अपने चेले गोरखनाथ को लेकर के बियाबान जाते चलते 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 एक नगरी आ जाती है। मच्छंद्रनाथ कहने लगे बेटा आज यहां रुकते हैं, तू भी थक गया होगा। सवेरा होते मच्छंद्रनाथ ने कहा कि बेटा जाओ भिक्षा लेकर के आओ। गोरखनाथ जी कहने लगे महाराज गुरुदेव मेरे को पता नहीं भिक्षा क्या होती है। कहने का बेटा थोड़ी चूटा उठाओ और गांव में जाओ अलग जगाओ, तेरे को जो भी भोजन मिले वो लेकर के आना, पर गुस्सा नहीं उठाना। एक भजन के माध्यम से गुरु मच्छंद्रनाथ उस गोरखनाथ को समझाते हैं क्या आदेश देते हैं। अरे चले भिक्षा ला दे तू चेला भिक्षा ला दे, मानो गुरु का आदेश, चेला भिक्षा ला दे मानो गुरु का आदेश, तो भिक्षा ला दे मानो गुरु का आदेश, चेला भिक्षा ला दे मानो मानो गुरु का आदेश।
छोटा सा बच्चा भगमा बना लिए, बेचारे को पता नहीं भिक्षा क्या होती है, क्या समाज होता है, क्या संसार होता है। पहली बार अपने गुरु ने प्यार करके उसको तैयार कर दिया कि बेटा जाओ गली गली जाओ और अलख जगाओ। अलख निरंतर ही साधु का संदेश है, ना गुस्सा उठाना है, कोई गालो मत गालो, अपनी फेरी लगा करके आना है। तो गुरु आज्ञा पा करके मच्छंद्रनाथ की वो उसका सेवक गोरखनाथ चेला कैसे चलता है, कभी ने क्या लिखा है। अरे भिक्षाला वन में चले थे गोरखनाथ, वो भिक्षाला वन में चले थे गोरखनाथ, भिक्षाला वन में चले थे गोरखनाथ, वो भिक्षाला पाला पड़ गया। क्या गया अलख निरंजन अलख जगा के, अलख निरंजन अलख जगा के, एक ब्राह्मणी थे